नाम है एजाज अहमद और मेरा काम है खुशियाँ और इलम बांट रहा हूँ। आइए मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का बिज़नेस कैसे किया जाए। तो हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि हर इंसान को किसी ना किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया गया है और उस मकसद की तकमील के लिए उसके दिल में डिज़ायर डाल दी गई है, डिज़ायर क्रिएट कर दी गई हुई है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जब उस टास्क को ढूंढ लेते हैं, उस अपने पैशन को ढूंढ लेते हैं जिसके लिए नेचर ने हमें क्रिएट किया, जिसकी सलाहियतें ऑलरेडी कुदरत ने नेचर ने हमें डाल दी हुई है, तो फिर हमारी कामयाबी है। इसी बात को मुख्तार मकसूद अपनी बुक आवाज़ दोस्त में दिखाते हैं, जहाँ पे आपका खाशे कल्बी और फर्ज मनसबी का इंतज़ार जो है वहाँ पर आपकी कामयाबी है। तो इशारा किस तरफ जा रहा है कि इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करना है, ये आपका विश लिस्ट है। इसका डिसीजन कैसे होना चाहिए, उसके पीछे एक स्टडी होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। तो जब भी मेरे पास कोई हिसाब आते हैं कि मैंने बिज़नेस शुरू करना है, तो मैं उनको यही की मशवरा देता हूँ कि सबसे पहले आप बिज़नेस प्लान बनाएं। क्योंकि जब मैं थ्रू आउट पाकिस्तान चैम्बर्स में जाता हूँ, लोगों के मिसाइल देखता हूँ जो कंसल्टेंसी के लिए मेरे पास आते हैं, तो मैं सबसे पहले सवाल यही करता हूँ कि जब आपने बिज़नेस शुरू किया, कि आपने बिज़नेस प्लान बनाया, तो वहाँ पर खामोशी हो जाती है। तो बिज़नेस प्लान जो है वो बिज़नेस प्लान क्या होता है, बिज़नेस प्लान बेसिकली आपने दो बेसिक डिसीजन लेने होते हैं कि आपने क्या चीज़ एक्सपोर्ट करनी है और कहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है। इन दोनों डिसीजन लेने के लिए आपको पहले रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च से लोग डरते हैं कि वहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट टाइम इतना कहाँ से आएगा। तो जो कि मैं बुक में ऐसे लिंक्स दे दिए हैं, ऐसे सोर्सेज दे दिए हैं कि अगर आप लिंक्स पे जाकर रिसर्च करें तो अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे आप 60% काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर बैठे होंगे, जस्ट आपकी मेहनत चाहिए रहेगी। तो जब आप उस रिसर्च के बाद डिसीजन ले लेते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स फाइनल कर लेते हैं, आप अपने मार्केट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर अपने 5 ऑपरेशनल डिसीजन लेने होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है मार्केटिंग डिसीजन, अगेन उसके 4 मार्केटिंग डिसीजन आपने लेने हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेसमेंट प्रमोशन के, उसके डेप्थ में बाद में जाएंगे। तो फिर आप फाइनेंशियल डिसीजन लें, प्रोडक्शन डिसीजन लें, पर्सनल डिसीजन, लीगल डिसीजन लें, फिर टाइम एंड एक्शन प्लान बनाएं, तो फिर आप बिज़नेस को प्लान करें कि आपने इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करना है। तो ये आपका डिसीजन इस वक्त पे होना चाहिए कि आपका बिज़नेस प्लान बन गया, और जो बिज़नेस प्लान बन जाए, लेट योर बिज़नेस प्लान डिसाइड एंड लेट योर बिज़नेस प्लान प्रूव दैट योर प्रोडक्ट एंड योर मार्केट इज़ राइट एंड यू विल बी बेनिफिशियल इन दिस बिज़नेस। अगर आपका बिज़नेस प्लान ये बता रहा है, उसमें जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन ये बता रहेगा पहले साल भी लॉस में, दूसरे साल भी लॉस, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, पाँचवें साल भी लॉस में, तो फिर आपको बिज़नेस करना ही नहीं चाहिए। तो क्या आपका जो बिज़नेस प्लान है वही आपको प्रूव करेगा कि आपने ये बिज़नेस करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फिजिबल है भी या नहीं। तो डिटेल में मज़ीद पे जब जाने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कितना खूबसूरत शेर बोला, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी।